नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कल भगत सिंह की जयंती है। बड़ी चर्चा है कि इस अवसर पे जो है सीपीआई के जो नेता है जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल होंगे। दरअसल इस चर्चा को बल दिया था जिग्नेश मेवाड़ी ने, उन्होंने ही इशारा किया था कि वो और कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे। उससे पहले प्रशांत किशोर जिस तरीके से कांग्रेस में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो आने से पहले अपनी टीम बना रहे हैं और उनको महासचिव रणनीति कांग्रेस का बनाया जा सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि उनका भी विरोध हो रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी को लेकर के ये खबर आई। अब खबर ये आ रही है कि जैसे ही ये बात सीपीआई तक यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तक पहुँची, उसके जनरल सेक्रेटरी डी राजा हैं, मैसेज कराया गया कन्हैया कुमार को कि इस जो भी चर्चा चल रही है इसका तत्काल खंडन करें। पिछले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डी राजा ने और कहा था इस बात को, अगले दिन यानी मंगलवार को उनको इसका पार्टी कार्यालय पहुंच करके इसका खंडन करना था, लेकिन कन्हैया कुमार ने ऐसा नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि कई नेताओं ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, कुछ का उन्होंने फोन नहीं उठाया। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कुछ नेताओं से उनकी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उनसे ये कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, काडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर सेवा के लिए आते हैं, ये तो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के चंदे से ही पार्टी चलती है, तो यहाँ पे उस तरीके की बार्गेनिंग नहीं चलती है। लेकिन कहते हैं कि कन्हैया कुमार ने दो चीज़ों की डिमांड कर दी, एक तो उन्हें स्टेट चीफ बनाया जाए, बिहार से मतलब है, और दूसरा कि उन्हें टिकट बांटने का अधिकार दिया जाए। दरअसल कन्हैया कुमार महत्वाकांक्षी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी चली नहीं और पिछले दिनों अनुशासनहीनता को लेकर के उनको झाड़ भी पड़ी थी, उस बात से वो नाराज हैं। बेगूसराय से वो चुनाव लड़े थे और गिरिराज सिंह के खिलाफ, लेकिन बुरी तरीके से हार गए थे। नौजवान हैं, जोश है, लेकिन जोश में कई बार वो भी होश खोते हैं और ये भूल रहे हैं कि सीपीआई का चरित्र क्या है, सीपीआई कैसी पार्टी है। अब 2 अक्टूबर को सीपीआई जो है नेशनल काउंसिल, उसकी मीटिंग होने जा रही है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें हो सकता है कन्हैया कुमार का भी मुद्दा उठे। सीपीआई उस तरीके से मान मनोबल नहीं करेगी कन्हैया कुमार को, ठीक है संपर्क साध करके और उनको पार्टी में ही बने रहने को कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि आपका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार डिमांड कर रहे हैं कि ये पद दिया जाए और ये अधिकार दिया जाए, संभवतः उसके लिए संगठन तैयार नहीं है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, पार्टी में अनुशासन है, खुल करके कोई नहीं बोलता है, और जो भी ये खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से आ रही है, तो अब ये देखना है कि क्या 28 सितंबर को कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल होते हैं या इसको टाल दिया जाता है। वो पार्टी में टिके रहने के लिए बार्गेनिंग करेंगे, अभी ये सोचेंगे विचारेंगे, या कल ये जो है मूर्त रूप ले लेगा, शामिल हो जाएंगे, इस पे सबकी नज़र रहेगी। दरअसल कांग्रेस भी ये बात समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सामना करने के लिए जो मौजूदा टीम है उससे काम नहीं चलेगा। एक एक करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दोस्त उनका साथ छोड़ चुके हैं और जो बचे भी हैं वो बहुत ही निराश व हताश है। राहुल गांधी को लग रहा है कि यदि इसी तरीके से पार्टी चली तो बहुत जल्दी वो भी छोड़ के चले जाएंगे, लिहाजा अध्यक्ष बनने की तैयारी वो कर रहे हैं। पार्टी का दबाव है, परिवार का दबाव है कि वो फिर से अध्यक्ष बन जाए। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और बिना पद पर रहते हुए सारे फैसले ले रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो अध्यक्ष बनने के लिए मान गए हैं। लेकिन उससे पहले वो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी, प्रशांत किशोर जैसे युवा नेताओं को शामिल करके संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले दिनों जब वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा भी था कि जो पार्टी में रह करके डरते हैं वो बाहर जाएं, और जो बाहर रह करके बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करते हैं, जो साहसी हैं, जो डरते नहीं है किसी से, उनको कांग्रेस में लाने की जरूरत है। तो उनके इस बयान और भाषण को आप इसी संदर्भ में देखिए कि वो बाहर के कुछ लोगों की एंट्री कराना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। अब वो विरोध कितना मायने रखेगा और कितना नहीं मायने रखेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तो नज़र है कि क्या कल जिग्नेश मेवाड़ी और कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं, इस पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।